मुंबई के जुहू इलाके में डकैती की वारदात, आधा दर्जन नकाबपोशों ने एक बंगले में घुसकर लूटा लाखों की नकदी और गहने। लूट के दौरान डकैतों ने बंगले के मालिक पर किया हमला, शातिर डकैतों ने जाते जाते सीसीटीवी फुटेज भी उड़ा लिया। बिन सीसीटीवी फुटेज पुलिस ड्यूटी डकैतों की तलाश में, इलाके में डकैती की वारदात से लोगों में दहशत। मुंबई पुलिस को मिली आतंकी हमले की धमकी भरी चिट्ठी, याकूब मेमन के फांसी वाले दिन 30 जुलाई मराठी में लिखी मिली चिट्ठी। चिट्ठी में एक महिला का नाम और फोटो, पुलिस की तहकीकात शुरू, हालांकि पुलिस ने खत को बताया हॉक्स। याकूब की फांसी के बाद पुलिस अलर्ट पर, लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। याकूब मेमन की बीवी को सांसद बनाए जाने की वकालत पर नपे समाजवादी पार्टी के नेता फारूक घोसी, पार्टी ने निलंबित किया। निलंबन पर घोसी ने दी दलील, कहा जब पार्टी फूलन देवी को बना सकती है सांसद तो राहिन को क्यों नहीं। सलमान खान की बहन की बर्थडे में पार्टी में पहुंची पुलिस, पार्टी में रात 10 बजे के बाद हो रहे हल्ले पर पुलिस ने की कार्रवाई। बांद्रा के पाली हिल इलाके में चल रही थी पार्टी, लाउड म्यूजिक बजाने पर आस पड़ोस वालों को था एतराज। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर फिर भूस्खलन से आवाजाही हुई ठप, 22 जून को चट्टान खिसकने की घटना में गई थी 3 लोगों की जान। मुंबई में प्याज के दाम आसमान पर, 45 से 50 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। मुंबई में बारिश के बाद बीमारी का हमला, 7 कॉलरा के मामले सामने आए, बीएमसी रोकथाम में जुटा। महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा, लोकसभा में पेश रिपोर्ट में अब तक 354 मौतें। स्कूलों में बच्चों के बैग का बोझ कम करने की कवायद में जुटे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, पीएम से मिलकर बच्चों को टैबलेट पीसी का चलन बढ़ाने पर दिया जोर। आदित्य ठाकरे की डिजिटल पढ़ाई की वकालत पर कांग्रेसियों ने ली चुटकी, कहा बीएमसी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधा तक नहीं दे पा रही, बच्चों को दिखाने लगे हैं टैबलेट और पीसीज के सपने। अबू सलेम की शादी पर सीबीआई ने जताया एतराज, कहा जान का खतरा और 1993 धमाके पर सलेम की बयान की रिकॉर्डिंग को देखते हुए ये मुमकिन नहीं। मुंब्रा में रहने वाली एक महिला ने सलेम से शादी की याचिका की अर्जी दी, अर्जी में महिला की दलील, उसकी तस्वीर अबू सलेम के साथ छापने से उसकी शादी में मुश्किल, अब सलेम से करना चाहती है शादी। पुलिस सोशल मीडिया से भी याकूब मेमन के नाम से बनी साइट्स को हटाने में जुटी, पुलिस की नजर याकूब के नाम से बने फर्जी ट्वीट और फेसबुक अकाउंट पर। मुंबई में ऑनलाइन स्टोर से सामान मंगवाने वालों की मुसीबत, डिलीवरी बॉयज की कल से हड़ताल। '93 धमाके के दोषी मुस्तफा दौसा को भी सता रहा है फांसी का डर, टाडा कोर्ट के जज से पूछा क्या उसे भी मिलेगी फांसी की सजा। पंडरपुर में पुलिस ने रेत की तस्करी में पकड़े गए 56 गधों को, इन गधों को ढोई जाती है अवैध खनन की रेत, सरगना फरार, पुलिस को तलाश। महाराष्ट्र में सामने आया फर्जी दस्तावेजों पर शिक्षण संस्थानों में नौकरी हासिल करने का मामला, 28 लोगों के खिलाफ शिक्षा आयुक्त ने शुरू की जांच। मुंबई की सड़कों पर जानलेवा गड्ढों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर, बारिश से बने गड्ढों में गिरने से एक 16 साल के लड़की की हुई थी मौत। बांद्रा में अश्लील पोस्टर लगने से निवासियों में हड़कंप, किसी अनजान शख्स ने चुपके से लगाए पोस्टर, हंगामे के बाद पुलिस ने हटाए पोस्टर।